मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में यमुना और गंगा नदी के संगम पर इलाहाबाद किले का निर्माण कराया था। यह अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला है और अपने खास स्ट्रक्चर और नक्काशी के लिए फेमस है। आखिर क्या है इस किले में? नमस्कार दोस्तों, अतीत की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद ना आए प्लीज़ इसे डिसलाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो के बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम भविष्य में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकें। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है इस किले में। इसमें तीन बड़ी गैलरी हैं जिनमें हाई टावर बने हैं। इस किले के अंदर बने अशोक स्तंभ, सरस्वती कूप और जोधाबाई महल कला के बहुत अच्छे उदाहरण। इस किले में अक्षयवट है। अकबर ने जब किला बनवाया तो इस बरगद के पेड़ को किले के अंदर लिया। माना जाता है कि जो इस पेड़ से गिरता है वो अमर हो जाता है। किले की बाहरी दीवारें बहुत ऊंची बनी हैं। आज इस किले का काफ़ी हिस्सा भारतीय सेना के पास है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो किले की बाहरी दीवारें पानी से काफ़ी ऊंची और मजबूत हैं। इस किले में जोधाबाई महल भी बना हुआ है, जो कि हिंदू और इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना महल है, जो काफ़ी खूबसूरत है। अकबर ने अपनी हिंदू रानी जोधा के लिए इसे बनवाया था। इसे बनाने में उस समय 6.17 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस किले में एक अशोक स्तंभ भी बना है, जो कि बलुआ पत्थर से बना सबसे ऊंचा है। अशोक स्तंभ 232 बीडी में मौर्य शासक द्वारा बनवाया गया था। इसकी लंबाई 35 फीट है। कहते हैं यह स्तंभ पहला कौशाम्बी में था, जिसे यहाँ सम्राट जहांगीर द्वारा लाया गया था। ये बलुआ पत्थर से बना है। इस पर ब्राह्मी लिपि में 6 शिलालेख, सम्राट समुद्रगुप्त की एक स्तुति, जहांगीर के पर्शियन में लिखे शिलालेख के अलावा और भी कई शिलालेख हैं। इस पर बीरबल का नाम भी लिखा है। इस किले में एक पातालपुरी नाम का मंदिर भी है, जो कि भारत का सबसे पुराना मंदिर है। ये मंदिर जमीन के नीचे बना है और इसके परिसर में फेमस अक्षयवट है। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर इंडिया का सबसे पुराना मंदिर है। अक्षयवट के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस पेड़ से कूदकर जान देते थे। अकबर ने इस पेड़ को किले के अंदर कर दिया था। कहते हैं अकबर ने ऐसा इसलिए किया कि वो लोगों की जान बचा सके। इस किले में एक सरस्वती कूप या कुंड भी है। इस कुंड से सरस्वती नदी को भी देख सकते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि सरस्वती नदी यहीं से शुरू होती है। इलाहाबाद में तीन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है। इस किले का आर्किटेक्चर हिंदू और इस्लाम का मिश्रण है।